हाजरी टेक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी 18 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं तो आप आसानी के साथ अपना वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और इसे कैसे अप्लाई करना है ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप्स का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। तो इसे एग्री पर क्लिक कर दीजिए और उसे ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा फॉर्म का, उस फॉर्म को आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इसे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर अभी क्लिक करना होगा और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इसे आप आसानी के साथ नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए सभी प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना स्टेट को, जो भी आपकी स्टेट है, उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र को। इसके बाद आ जाता है आपका सिटी, तो यहाँ पर हमें कोई भी अपनी जो सिटी होती है उसे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मुंबई को। और इसके बाद आ जाता है आपका जो सिटी के एरिया है उसे क्लिक करना होगा। जैसे कि मेरा एरिया आ जाता है माहिम, तो मैं इसे माहिम पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस ऐप्स के ज़रिए आप आसानी के साथ नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ दूसरे सेक्शन में आपको अपना नाम डालना होगा और इसकी दूसरी लाइन में ऑटोमेटिकली आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है वो आ जाता है। तो इसे क्लिक करते ही देखिए ये ऑटो ट्रांसलेशन कर रहा है और यहाँ पर वो नाम आ जाता है। अब यहाँ पर हमें अपना सरनेम लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना सरनेम लिख देता हूँ। तो ये दोनों लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है। इस सेक्शन में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसे हमें बाद में अपलोड करना होगा। उस डॉक्यूमेंट पर जो डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, तो इसे हमें सही से देख कर डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल देता हूँ। आईजी टेक को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें ईमेल और मोबाइल नंबर डालना होगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती है, जैसे कि आपका कार्ड डिस्पैच हुआ है या नहीं, तो उसकी सभी अपडेटें आपको ईमेल या मोबाइल नंबर पर आएगी। तो यहाँ पर आपका जो एक्टिव ईमेल है उसे डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा। और इसे कुछ भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये इनके रिकॉर्ड के लिए होता है, जिस पर ये हमें अपनी अपडेट भेजते हैं कि हमारा वोटर आईडी कार्ड का क्या स्टेटस है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद के सेक्शन में हम देखेंगे कि और भी 5 स्टेप है, इसे कैसे भरते हैं। तो चलिए, मोबाइल नंबर डालना कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप मेल या फीमेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक क्लिक करना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम सिटीज़न ऑफ इंडिया, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरे सेक्शन में आते ही हमें कुछ अपने एड्रेस की डिटेल डालनी होगी। तो सबसे पहले आप अपने घर का नाम या नंबर डाल दीजिए या फ्लैट का नंबर डाल दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने फ्लैट का नंबर डाल देता हूँ। दूसरी ही लाइन में ये ऑटोमेटिकली आपके रीजनल लैंग्वेज में आ जाता है। यहाँ पर हमें अपना स्ट्रीट का नाम डालना होगा, तो मैं यहाँ पर अपने स्ट्रीट का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर हमें अपना टाउन या विलेज का नाम डालना होगा, तो मैं यहाँ पर अपने टाउन या विलेज का नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये सभी इन्फॉर्मेशन बराबर से भरनी होगी, तभी आपको अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का एरिया का नाम है, वो डालना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देता हूँ। और इसके बाद हमें अपना पिन कोड नंबर डालना होगा, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड नंबर है उसे आपको डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने पिन कोड का नंबर डाल देता हूँ।
तो दोस्तों ये सभी प्रोसीजर करके आप आसानी के साथ नया वोटर आईडी कार्ड मंगा सकते हैं। तो पिन नंबर डालने के बाद हमें नीचे एक बॉक्स नज़र आता है कि परमानेंट एड्रेस का, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है जो आपने ऊपर लिखा है तो उसे क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। तो हम तीसरे सेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां पर हमें अपनी फैमिली डिटेल को भरना होगा। तो यहां पर हम तीसरे सेक्शन में आ गए हैं जहां पर हमें अपनी फैमिली डिटेल को लिखना होगा। तो यहां पर आपको अपने बाप या भाई का नाम लिखना होगा, जो भी आपका रिलेटिव है उसका नाम लिखना होगा। तो मैं चलिए एक नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर उसका लास्ट नेम यानी सरनेम वगैरह जो भी है वो भी लिखना होगा। तो मैं इसका सरनेम भी लिख देता हूँ और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा कि आपका वो रिलेशन में कौन लगता है, जैसे कि बाप है या भाई है तो वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना एक फ़ोटो को अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो जो ऑलरेडी मेरे गैलरी में है उसे अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद आता है हमारे पास जो भी अपना एड्रेस है, एड्रेस प्रूफ और ये तो प्रूफ वो हमें देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर से इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमें कुछ सेक्शंस में नज़र आ जाता है कि एज प्रूफ के लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं और यही जो डॉक्यूमेंट है वही आपको एज प्रूफ के लिए लगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड या आपके स्कूल की मार्कशीट या रेशन कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए लगेंगे और एड्रेस प्रूफ के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए देखते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो इन सभी को हमें अपलोड करना होगा। तो इससे पहले आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि ये प्रोसीजर करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ों को डाउनलोड किया है उसे वापस से एक बार चेक कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पहले सेक्शन में अपना फोटोग्राफ, दूसरे सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ और तीसरे सेक्शन में हमें एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो और जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसे इस ड्रॉप बार से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपने जो भी अगर पैन कार्ड दिया है या रेशन कार्ड दिया है उसे उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो हम इस सेक्शन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें फिर से एक बार हमें अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर टाउन को सिलेक्ट करना होगा। तो फिर से वही एक सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमने डिक्लेयर कर दिया है कि ये सभी डॉक्यूमेंट बराबर है और हम एक नए डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, न्यू वोटर आई डी कार्ड के लिए। तो प्लेस पर आपको अपनी सिटी का नाम लिखना होगा और इसे डन पर क्लिक करना होगा। तो ये हमें रिव्यू करवा देगा पूरा डॉक्यूमेंट जो भी हमें इंफॉर्मेशन भरी है। तो मैं जैसे डन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने फॉर्म आ जाता है। तो हम एक बार फिर से हमारी इंफॉर्मेशन को आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से बराबर दी गई है कि नहीं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन तो बराबर है, फोटो वगैरह भी अपलोड हो गया है और डॉक्यूमेंट तो कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और डन पर क्लिक करना होगा। तो ये हमारा फॉर्म सबमिशन के लिए जा रहा है। तो दोस्तों यही सब प्रोसीजर, देखिए मेरा प्रोसीजर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो यही सब प्रोसीजर करके आप आसानी के साथ अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।